साइक्लोन दाना जो उड़ीसा में फॉल हुआ और फॉल होने के बाद जैसे हमारा भी पहले से ही हमारा प्रिपेयरेशन था, इसमें से जो अफेक्टेड जिला है 11 जिला में से ज्यादा अफेक्टेड हुआ था 3 जिले में, एक जिला है केंद्रापड़ा और भद्रक और बालेश्वर, वो 3 जिला में ज्यादा अफेक्टेड हुआ। इसमें से जो रोड ब्लॉक हुआ था उसको हमने तुरंत क्लियर कर दिया और उनके साथ साथ जो विद्युत सरबराह का जो विच्छिन्न हुआ था उसमें से जो प्रभावित हुआ था उसके लिए हमने ज्यादा जो 3 जिला में, इसमें से केंद्रापड़ा में, इसमें से 95% जो उपभोक्ता लोगों का पावर कटऑफ हुआ था, रेस्टोरेशन पावर रेस्टोरेशन करते हुए हमने 95% लोगों को विद्युत हमने उनके सरबराह हमने कनेक्टिंग कर दिया। और उनके साथ साथ भद्रक जिला में ज्यादा जो वाटर लॉगिंग हुआ इसमें से जो प्रॉब्लम हुआ पावर रेस्टोरेशन में थोड़ी हमारा देर हुआ, हमने जो डेडलाइन दिया था कल आज का शाम तक आज भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमने सक्सेसफुली रहे कि लगभग 77% रेस्टोरेशन काम को हमने कंप्लीट किए और इसमें से अभी भी करीब कुछ लोगों के पास वो रेस्टोरेशन हम कर नहीं पाए, लेकिन अभी भी रात भर काम चल रहा है निश्चित रूप से और थोड़ी घंटा के लिए हम उसको सक्सेसफुली तरफ से हमने उनको कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से बालेश्वर में आपका वो जो साइक्लोन के साथ साथ अभी थोड़ा हमारा जो फ्लड आ गया, क्योंकि मयूरभंज जिले के जो ऊपर से जो सिमड़ी पर जो हमारा जैव मंडल है वहां ऊपर से ज्यादा बारिश होने के नाते नीचे जो लो लाइन है हमारा बालेश्वर का जो सीसौर का जो इलाका है उसमें से ज्यादा प्रभावित हुआ। और लेकिन अभी भी वो जो हमारा जो जल स्तर जो रहना चाहिए जो विपद संकेत उनसे भी थोड़ा नीचे है, अभी भी ऐसे कोई क्रिटिकल परिस्थिति नहीं आया। पर उसी जिले में हमने जो उपभोक्ता लोग है 81% हमारा पावर रेस्टोरेशन करते हुए वो काम सफल रहे और आज रात तक उसको 100% करने के लिए हम सफल रहेंगे, लेकिन वो जो फ्लड आने वाला है उसलिए जल स्तर अभी थोड़ा सा वृद्धि अभी भी हो रहा है। इसमें से प्रभावित बालेश्वर जिला का जो 6 ग्राम पंचायत है उसमें से 20 गांव है उसके ऊपर थोड़ा प्रभावित अभी हो चुका है और रेमुणा ब्लॉक का 2500 और बालेश्वर सदर ब्लॉक का 8000 लोगों को अभी हमने इवैक्यूएट कर चुके हैं। और जो हमारा जो प्रशासन है एनडीआरएफ ओड्राफ टीम और फायर सर्विस उसको हमने टोटली तैयार करते हुए हम रखे हैं, कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा तो उनका ऑपरेशन भी हमने करने के लिए निर्देश दे चुका है। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now